तो आप जल्दी से बनाओ कुछ ऐसा। नहीं पर मैंने, मुझे इतनी खुशी है कि यार मेरा ये परमाणु बम जो है ना राहुल, जो छाया भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी तो इतनी दूर तक जाएगा भाई। मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी सच बोलूं क्या। हाँ। मैं सोचा था कि थोड़े दिन जाके आता हूँ। एक ही चीज तुम्हारी अच्छी थी, तूने ना बहुत प्यार से और रिस्पेक्टफुली तुमने गेम को रखा। ज्यादातर लोग ना अपना आपा खो बैठते हैं, अपनी इज्जत गवा देते हैं, लेकिन तूने सबकी इज्जत रखी भी, कहीं कहीं किसी की जब जरूरत थी उतारी भी, बट विद रिस्पेक्ट। अब पर मेरा शेप नहीं निकाल दिया जान। मैं पहले पब्लिक का शो एंजॉय करता था और सेकंड तुमने मेरे को बिग बॉस दे दिया था वहां पे कलकत्ता में। लेटे लेटे मैं ना इनको देखता रहा था आशीष कि सोके क्या करते होते होते, तो मैं देखता रहा था इनको लाइव। इतना बिग बॉस का मुझे क्रेज था कि अभी कुछ पढ़ लेंगे फिर लड़ाई होगी। बट इट वॉज माइंड। क्या बात। तो जितने बिग बॉस देखने वाले हैं, अभी उससे बेटर शो तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे प्यारा शो है हमारा इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। उस पे हम राहुल को लेके आएंगे, मी मराठी मानसा साठी, तो हमें आपके सपोर्ट भी करेगा एंड एंजॉय। एब्सोल्युटली यू हैव टू सपोर्ट ऑलवेज राहुल। एक बार तो वोट अपील कर दो पंजाब लायंस के लिए प्लीज। मैंने अभी राहुल बोल दी ना, राहुल जी बोला करो। अरे प्लीज आप अपील कर दो। ना प्लीज प्लीज रूपाली जस्ट कॉल मी राहुल ऑनेस्टली। इसलिए मैंने राहुल बोला बिकॉज़ आई नो आपको वही अच्छा लगेगा शायद। वो कहते हैं ना जी मत कहो, जी बहुत शरीफ लगता है। सर मत कहो, सर बहुत शरीफ लगता है। बट ऑल द बेस्ट गाइस, एवरीबॉडी जस्ट वोट फॉर मीका बाजी टीम। आई थिंक ही इज जस्ट अ रॉक स्टार एंड दीस टू गर्ल्स दे आर जस्ट अमेजिंग, जस्ट द मोस्ट अमेजिंग वॉइसेस दैट वी हैव ऑन टुडेस सीन। More power to both of you girls and just keep rocking, keep slaying. All the best. Guys, everybody just vote for their team. Thank you. Thank you, Rahul. Love you, brother. Sir, party number. Number 22 party. Aiyah, bhaiya. Aiyah. Wait karo. Bye. Number. Zero. Number. 9300003222. You just have to give a missed call. Please, guys, do it and vote for us. एक मिनट, व्हाट इज द नंबर, जस्ट टेल मी व्हाट इज द नंबर। 9999300003222। कितने नंबर हो गए ये? ओके 10 ये देखो मैंने अभी लिख दिया, सो प्लीज गो फॉर इट गाइस एंड प्लीज वोट फॉर देम। Yes, thank you. अरे एक जो एक बार इजाज़ भाई के साथ तू करता था, वो क्या करता था मुझे दिखाने का? एक बार हो जाए, come on राहुल। मैं क्या एक्चुअली ना उसका क्या था ना, तू फाइट करता था ना, कुछ बोलता था, तू रिएक्शन देता था, वो मुझे सीखना करता क्या था? मैं क्या ये वाला, इतनी चीजें होती थी ना वहां पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नाउ थिंक की क्या क्या होता था। बट एक टाइम के बाद में मैं आपको सच बोलता हूँ, वो शो इतना मुश्किल हो जाता है करने के लिए, बिकॉज आप पागल हो जाते हो आफ्टर पॉइंट, यू लूज एवरी सेंस ऑफ योर्स, आप पागल हो जाते हो, आप भूल जाते हो कि यू नो देयर इज सो मच ऑफ कैमरास अराउंड यू, तो आपके अंदर की जेन्युइनली जो असलियत होती है ना वो बाहर आ जाती है। सो इसलिए वो शो बड़ा अमेजिंग लगता है मुझे। एंड अब मैं इजाज का पता नहीं क्या क्या करता था मैं, मुझे सदा अच्छा कोई भी टास्क होता था ना तो उसमें इजाज कुछ ऐसा 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 करते थे। हाँ भाई मतलब रिलैक्स करो यार, मतलब जंग पे थोड़ी जा रहे हो यार, थोड़ा रिलैक्स करो यूरो। बट वो मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें किसी की गलती नहीं होती, वो शो ही ऐसा है, इट जस्ट टेस्ट योर पेशेंस यू नो टिल लाइक टिल योर लिमिट, इट जस्ट टेस्ट योर लिमिट। इट इज कमेंडेबल आप वहां रहे और एंड तक रहे, इतने आगे तक करें, बाहर आ जाते। सिंगल्स के लिए बड़ी बात है, सिंगल्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा बहुत बड़ी बात है, हमारी कम्युनिटी से एक लड़का जो एंड तक टिका विद रिस्पेक्ट। और बात तो जो भी सेटिंग होती है तो भगवान जाने कौन कैसे जीतता है, लेकिन हमने तो भाई भर भर के देखो वोट दिए। और राहुल को जब मैं मीका सिंह वोट करता ना किसी को पे, तो राहुल को पता है क्या चमत्कार होता है, लेकिन इस बार ये पता नहीं क्या गड़बड़ था। बट फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं, हम सब थैंक यू भैया, हम सभी रियलिटी शोज करते रहते हैं, ट्रॉफीज आती हैं जाती हैं, बट अगर हम किसी के दिल में बस सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ।
सो आई थिंक वही हमको जैसे देखिए इतने सारे फैंस इतना सारा प्यार दे रहे हैं सो यू नो दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू इट आई ऑलवेज फील रनर अप्स बेटर करते हैं दे डू बेटर इन लाइफ सो इट्स बेटर टू बी अ रनर अप वो कहते हैं ना किस्मत क्या समय से ज्यादा किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किस्मत से ज्यादा झूठ है तुझे बहुत मिल गया बहुत ज्यादा मिला राहुल एक ऐसा मैजिकल सिंगर है सबको बता जाऊंगा एक दो दो गाड़ी रखता भाई ये मीका सिंह का जूनियर मीका सिंह दो गाड़ी में एक तरफ ऑडी और एक तरफ मर्सिडीज चार चार फ्लैट क्या बात है कुछ नहीं है ये सब मेरे भाई का प्यार है जिनके दस दस गाने बीस बीस गाने हिट हैं लेकिन वो ये यू नो ये मुकाम नहीं हासिल कर पाते द वे यू डिड सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू नहीं आपकी शिक्षा रही है डेफिनेटली ये नहीं कि मैं म्यूचुअल एडमिरेशन खोल रहा हूँ कि आपने कुछ अच्छा कहा तो मैंने भी कहना है बट थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर थैंक यू भैया लव यू राहुल तो मैं 22 को आ रहा हूँ फिर मैं मिलता हूँ देखो आगे जरूर जरूर ओके ओके बाय बाय गाइस सी यू ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है रूपाली वैसे तो हर किसी फैन हो जाती जल्दी और फिलहाल अंकित की बड़ी बहुत बहुत बड़ी फैन थी टीम मेरी है लेकिन अंकित के साथ लाइव गई थी अच्छा मैं ना अभी बड़ी फैन हुई नेवर नो बोलो बोलो मैं लाइव में बोल रही हूँ कि ठीक है मैं चली गई थी लाइव पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं नहीं जाऊंगी मैं सिर्फ अपनी टीम को प्रमोट करूंगी अच्छा सुनो अगर तुम अगर लाइव जाओ ना रूपाली तो मीका पाजी को हाइड कर देना कि वो देख ना पाए नहीं नहीं तो और ये मैंने वहां जाके भी ना मैं वहां जाके पूछ लेगा आपके लिए वोट मांगे थे मैंने अच्छा मैं राहुल बताता हूं हुआ क्या इतना सीरियस हो गया हम एक घंटा लाइव गए मैं आशीष और रूपाली अभी हमारी टीम ब्ला 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 पूरा शो मचा लिया ये जैसे कट हुआ देख रहा हूँ अंकित के साथ लाइव गई अगले दिन तो मैं का टीम वर्क अंकित इज माय यंगर ब्रदर आई लव हिम ही इज सो टैलेंटेड बट राइट नाउ एक हमारा कंपटीशन है भाई हम एक टीम कर रहे हैं तो जाके आगे भी मैं नेक्स्ट टाइम रुबाल ध्यान रखना है बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूंगी अब तो मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी ओ गॉड राहुल एक और सुनाना गाना यार बड़े टाइम पर देख रहा हूं तुम्हें भैया एक्चुअली कैसे सुना क्या कुछ हैवी आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और इसकी गायकी का आएगा कमाल का सिंगर है ग्रेट सिंगर है एंड इसकी अच्छी आदत क्या है हर आदमी से सीखता है सुरेश जी से इसने सीखा है इनके सोनू भैया से बड़ा कुछ सीखा सोनू जी से जिसको साथ भी रहता ना उसकी अच्छी अच्छी चीजें सीखता रहता है तो बाकी सिंगर्स को भी ऐसा होना चाहिए यस आर के वी ओ आगे डालो अभी न जाओ छोड़ कर क्या बात है कि दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं अभी तो आई हो अभी तो अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं तो जैसे तो नशे के घूंट पी तो लो नशे के घूंट पी तो लो अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं बुरा ना मानो बात का वाह ये प्यार प्यार है गिला क्या बात है
एक्चुअली मैंने ना 5 महीने बाद कुछ गिटार पकड़ा है एंड आई हैव एब्सोल्युटली इतने दिनों बाद ना सच बोलूं गाने के लिए बहुत अजीब लगा. इट वाज वेरी डिफरेंट बट थैंक यू फॉर गेटिंग मी टू सिंग. एंड कैसा आपको लगा, कैसा यार इतने टाइम आप बिग बॉस में रहे और वहां मतलब आप म्यूजिक नहीं कर रहे थे, रियाज नहीं कर रहे थे, तो फीलिंग कैसी थी इतने दिन, मतलब कैसे रहे कैसे आप? यार बहुत होता है बहुत मुश्किल है ना. तो जगह पे बड़े बिग बॉस में रहे हैं तब तो बिग बॉस बहुत बना ही था जिस वक्त हम बिग बॉस में रहते थे. अरे राहुल नेहा भसीन इज हियर, ऑल द ब्यूटीफुल girls and super talented girls are here. यहाँ पे ये Instagram का नया अपडेट है क्या जहाँ पे 4 लोग एक साथ आ सकते हैं? मेरे को दो yes, yes. चार का हो गया दिख रहा हूँ. yeah, कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं मैक्सिमम. आई डोंट नो हाउ कैसे करें ऐड करें. नहीं चार से ज्यादा नहीं होंगे पाजी. भाई आप कंटिन्यू करो, मेरे को एक Zoom कॉल करना है इसलिए मैं अभी भागता हूँ. बट आई वाज लवली टू यू ऑल. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. बाय. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. Take care, guys. Bye, bye. See you. Bye. Bye, bye.